गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट अवर टुडे क्लास चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी सो इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टेबू। इसके हमने क्लास 7 में देखा था कि जो पहेली एंड बूजो हैं वो कहाँ विजिट करते हैं, फॉरेस्ट में अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टेबू के साथ में। दे वेयर गो to share their experience with their classmates, और वो अपने classmates के साथ अपने experience को share करते हैं। Other children in the class were also eager to share with experience at some of them and visited Bharatpur Sanctuary। ठीक है, कुछ लोग जो Bharatpur Sanctuary गए थे वहाँ की जो उनका experience था वो share कर रहे थे। Some others had heard about Kaziranga National Park, लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ के बारे में, कुछ लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एंड कुछ निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कुछ लोग टाइगर रिजर्व के बारे में अपने जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर रहे थे। ओके, ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए बनाए जाते हैं ताकि उनको सेव किया जा सके। नेशनल पार्क्स जो है उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनकी जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना, उनको सेव करने के लिए बनाए जाते हैं। डीफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउजेस। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सिस्ट ऑन अर्थ, मीन्स के बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी अर्थ पर रहते हैं। They are essential for the well-being and survival of mankind. मीन्स के उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको सर्वाइव करना पड़ता है। ओके, टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डीफॉरेस्टेशन। उनको आज किस तरीके से सर्वाइव करना पड़ रहा है, डीफॉरेस्टेशन से सर्वाइव करना पड़ रहा है। डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वी नो दैट डीफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग अ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना और लैंड को साफ करना। ओके, तो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम ऑफ पर्पसेस मेंशन बिलो। यहाँ पर जो ट्रीज है वो क्यों काटे जाते हैं, उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रोक्योरिंग लैंड ऑफ कल्टिवेशन इसकी खेती करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर आर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के लिए डीफॉरेस्टेशन किया जाता है, मीन्स के पेड़ों को काटा जाता है। बट पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट्स नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नेचुरल काउसेस ऑफ डीफॉरेस्टेशन। नेचुरल डीफॉरेस्टेशन कैसा होता है, तो फॉरेस्ट फायर मीन्स के जंगल में आग लग जाती है, या फिर सेवियर ड्रॉप्स मीन्स के जब पानी बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तब भी पेड़ अपने आप गिरने लगते हैं। ओके, तो इसे नेचुरल डीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कॉन्सिक्यूशंस ऑफ डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन से हमने पढ़ा, उसके काउसेस क्या है, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उससे हमारे जो एटमोसफेयर उस पर क्या इफेक्ट करेगा। पहेली एंड बूजो रिकॉल दैट द कॉन्सिक्यूशंस ऑफ डीफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डीफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, मीन्स के हमारे अर्थ पर पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा देगा, जिससे टेम्परेचर जिससे बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर लेवल को भी इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी बढ़ा देगा। ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, वो भी कैसा हो जाएगा, गेट लोड्स, ठीक है, मीन्स के क्या होगा, लोवर्ड हो जाएगा, मीन्स के नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डीफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। नेचर के जो बैलेंस है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद। वो प्रोफेसर अहमद से कहते हैं कि इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, अगर ट्रीज कंटिन्यूस कटिंग होंगी तो क्या होगा, रेनफॉल एंड दी सोइल फर्टिलिटी विल डिक्रीज। रेनफॉल नहीं होगा एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज मतलब डाउन हो जाएगी। ओके,
Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Means के सूखा पड़ने के और क्या होगा, सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. हमें पता है, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स को चाहिए. फेवर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड इन रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमोस्फियर. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड रेज द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. The increase of temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. Means क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा एटमोसफियर में, तो this will be lead to global warming as a carbon dioxide trips to heat rays reflected by the earth. तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड क्या रिड्यूस होगा, रेनफॉल. ठीक है. दिस कूड काउजेज ट्रोट्स, जिसे हम ट्रोट्स कहते हैं. डीफॉरेस्टेशन इज अ मेजर काउज विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज. ठीक है. डीफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो सॉइल की प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. ठीक है. हम क्या करते हैं, अगर हम प्लांटेशन करते हैं, वेजिटेबल्स को हम लोग उगाते हैं, तो क्या होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी सॉइल की, इस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो. रिकॉल फ्रॉम क्लास सेवन्थ हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरेशंस. हमने देखा था हमने क्लास सेवन में कि जो सॉइल है उसका, जो ट्रीज है वो कैसे प्रिवेंट होते हैं. ठीक है. फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेशंस. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. द सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल. जो सॉइल होगा उसका ह्यूमस भी लेस हो जाएगा और लेस फर्टाइल. ठीक है. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कवर्टेड इन टू डेजर्ट्स, इट कॉल्ड डेजर्टिफिकेशंस. जो फर्टाइल लैंड होती है वो डेजर्ट में कवर्ट हो जाए, इसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. डीफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. डीफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है जो सॉइल की, वो भी गिरने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इन टू द ग्राउंड, डीफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस. मीन्स के जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो सॉइल का मूवमेंट होता है वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, वो भी उसका नहीं हो पाता है सरफेस का. सो देयर आर फ्लूड्स. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डीफॉरेस्टेशन. जो सॉइल की जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंटेंट्स टेक्सचर होता है, वो भी सब चेंज जाता है क्योंकि डीफॉरेस्टेशन होता है. वी हैव स्टडीड इन क्लास सेवन दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट. हमने क्लास सेवन में पढ़ा था कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लिस्ट दिस प्रोडक्ट. वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. अगर हम कंटिन्यू ये ट्रीज का कटिंग करते हैं तो क्या होगा, कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उसका शॉर्टेज होगा. ठीक है. कंटिन्यू डीफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है. जिससे जो सॉइल की कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, उसमें जो टेक्सचर होता है, वो एक टाइम के बाद चला जाता है. ठीक है. क्योंकि कंटिन्यूसली डीफॉरेस्टेशन होने से जो सॉइल होता है वो भी ख़राब हो जाता है. एंड फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, उनका घर होता है, वो वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. सो डीफॉरेस्टेशन करने से कंटिन्यूसली क्या होता है, हमारे जो एटमोसफियर है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. इसीलिए डीफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए.
ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रह सके।